अस्सलाम वालेकुम। सो आप लोगों का अरबाज ऑल इन वन किचन में एक बार फिर वेलकम है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं कराची ईद, तो मैं उसके लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो ये मैंने जो कुर्ती पहनी हुई है, ये मैंने वाली येलो कुर्ती पहनी है जो मैंने अपने ओरिएंटेशन कॉटन के ओरिएंटेशन में पहनी थी, और साथ ही मैंने आज ये वाले स्लीपर्स पहने, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे स्लीपर्स बहुत पसंद हैं। ओके ये देखिए, मैं आपको और क्लोजअप दिखाती हूँ ये वाले। ओके अब हम चलते हैं और इंजॉय करते हैं वहाँ पे, और एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या नया है। ओके वैसे एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो अब देखते हैं कि वहाँ में सही से सब मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए कि नहीं मिलता। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। वैसे तो बात है कि बहुत पूरा लंबा रास्ता था मेरे घर से काफी। पहुंच चुके हैं अभी, नहीं पड़े हुए मम्मी वहाँ पर, नहीं है शायद हम तब पहुंचे थे। आप सोचे हम कितना लेट हो गए थे। तो मैं इसलिए ये वीडियो आज अपलोड करी क्योंकि आज एक और डे है। तो अब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि हमने जो खाया है ना, मैंने जो खाया है वो आप लोग वहाँ जाके ट्राई कीजिएगा। ओके तो इसलिए मतलब ये कि ये व्लॉग है एक्चुअली सैटरडे का और ये संडे को डलेगा। तो ये देखिए बहुत प्यारा था और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी उधर, अच्छा खा रहता है, मतलब मज़ा आया मुझे। अच्छा ये वाले इस शमीरा के स्टॉल पे हमने क्या खाया था, मैंने खाया था बीफ बर्गर और हमने इनकी सारे विंग्स ट्राई किए थे, जूसेस ट्राई किए थे। ओके और ना मुझे इनका बीफ बर्गर बहुत अच्छा लगा था और इनके जूसेस बहुत अच्छे। ये रहा बीफ बर्गर, हंटर बीफ बर्गर है, ये बहुत यमी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इनका मेन्यू है पूरा। हमने सारे फ्राइज भी ट्राई किए थे और जो मैंने शेक्स ट्राई किए थे ना, वो मैंने ट्राई किया था पीच वाला, पीच एंड एप्पल, और साथ ही हमने मैंगो चिली फ्रास्क का ट्राई किया था। तो पीच एंड एप्पल या पीच एंड पोमीग्रेनेट था, ठीक है फर्स्ट वाला था। ये देखिए फ्राइज भी, लेकिन सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट मुझे विंग्स इतने अच्छे नहीं लगे, बट इनके बर्गर्स बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे हमने फिश ट्राई की थी और हमने लिए थे पेरी पेरी बाइट्स, और हमने उधर भी पेरी पेरी बाइट्स खाए थे, बट इधर के पेरी पेरी बाइट्स अच्छे थे। और फिश जो ये फ़िश है ना, ये है सैल्मन फ़िश। ओके तो सैल्मन फ़िश एक तो ये साइज़ में बहुत बड़ी, 500 रुपीज़ की, और इतनी यमी गाइस, मतलब माउथ वाटरिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये फ़िश। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके साथ में हम लोग ने पेरी पेरी बाइट ट्राई किए थे, और उसी के बराबर में जो स्टॉल है हमने उससे लिए थे डायनामाइट चिकन। प्राइस थी उसकी 250 रुपीज़, बट अमेजिंग डायनामाइट चिकन वॉज ऑल्सो अमेजिंग। बट अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों को फ़िश ज़रूर ट्राई करनी हो, क्या अगर आप लोग को फ़िश पसंद है तो सामने। अच्छा तो जो फ़िश मैंने ली थी ना, वो 500 के 2 पीसेस थे, पेरी पेरी बाइट्स 250 के 4 पीसेस थे, और ये मैंने लिया था भाभी किचन से, उसके बराबर में जो स्टॉल था प्ले कैफे से हम लोगों ने लिया था डायनामाइट चिकन। उसकी भी प्राइस थी 250, उसके अंदर थे 8 पीसेस। ओके यहाँ रियो का स्टॉल लगा हुआ था, तो रियो वाले ना अपने रियो बिस्किट जो डबल चॉकलेट इन्होंने लॉन्च किया, उसमें चॉकलेट चिप्स और मार्शमेलोज लगा लगा के देते, वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अलावा हमने फिर पूरा टाइम एंजॉय किया और घूमते रहे बस, और कुछ भी नहीं किया। ओके सो अब आप लोगों को क्या करना, आप लोग को पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब हम आपसे मिलेंगे आपकी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।